आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट में ये पूछा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या जब कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन को खा ले। सिंपल स्ट्रेट बात यह है कि दवाई इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस केमिकल मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर कई केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी पे वर्क करते हैं, एंड उसका भी लाइफ होता है, उसका भी पोटेंसी होता है। और पोटेंसी का मतलब ये होता है कि वो उतने टाइम तक काम करता है, उसके बाद काम करता है लेकिन कम करता है। जब भी कोई कंपनी मेडिसिन को बनाती है तब उसका पोटेंसी टेस्ट होता है कि वो कितने दिनों तक असरदार है, एंड उस टेस्ट में ये पता चलता है कि इतने दिनों बाद वो मेडिसिन काम करना बंद कर देगा। एक्सपायर्ड दवाइयों को खाने से मना इसलिए किया जाता है, देखो मेन बात यह है कि एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कि काम करती है, बट दवाई खाओगे और उसका इफेक्ट सिर्फ 100 में से 25% होगा, थोड़ा सा, बट उसका साइड इफेक्ट पूरा फुल ही होगा। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है बॉडी में, तो अगर उसका इफेक्टिवनेस 25% रह गया, भले आप अगर किसी दवाई का 30 तारीख को एक्सपायरी डेट है उसे आप 31 तारीख को खाओगे तो इससे कोई मर नहीं जाएगा, बट उसका पोटेंसी कम हो जाएगा। और पोटेंसी कम होने के चलते 25% या 30% काम करेगा बट साइड इफेक्ट 100% ही रहेगा। यही रीजन है कि एक्सपायर्ड दवाई नहीं खाना चाहिए। एंड कोई कोई हार्ड दवाइयां तो ऐसी होती है जो कि एक्सपायरी डेट के बाद रियली में टॉक्सिक यानी जहरीला हो जाता है। और यहाँ और एक फैक्ट ये है कि दवाई का मॉलिक्यूल जहरीला नहीं होता है, दवाई के मॉलिक्यूल्स को बांधने के लिए कई प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जो कि उसको वैसे ही काम करने देते हैं जैसा कि बनाने वाली कंपनी ने सोचा है, बट वही प्रिजर्वेटिव्स उसको बांधे रखते हैं जितना दिन तक एक्सपायरी है उतना दिन तक, और अगर वो डेट पार हो जाए तो वो लूज हो जाते हैं एंड अंदर का मॉलिक्यूल वैसे काम नहीं करता है जैसे कि उसको करना चाहिए उस स्पेसिफिक पैटर्न में, जिसके चलते आपके बॉडी में जब वो जाता है तो उसको काम करना है ABCD बट वो कर देता है DBAC, जिसके चलते आपके बॉडी में जहरीला असर होता है। और यही रीजन है कि एक्सपायर्ड दवाई खाने के चलते कई लोगों की मौत भी हो जाती है। कुछ कुछ स्पेसिफिक दवाइयां होती है जो कि कॉमन यूज में होती है, उसमें मैन्युफैक्चरर जानबूझ के एक्चुअल जो खराब होने का डेट होता है उसके पहले ही उसका एक्सपायरी डेट प्रिंट करता है, ताकि जो कॉमन दवाइयां है उसमें अगर कोई खा भी ले तो वो टॉक्सिसिटी ना आए या फिर पोटेंसी लूज ना करे। बट ये कुछ कंपनीज ही करती हैं, बट ज्यादातर दवाई में ऐसा नहीं होता है, इसलिए स्ट्रिक्टली हमें एक्सपायर्ड दवाई को खाना नहीं चाहिए। स्ट्रेट फैक्ट दवाई के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग ऐसे ही ढीला छोड़ देते हैं। पहला ये कि दवाई तभी खाना चाहिए जब कोई डॉक्टर आपको बोले, और दूसरा ये कि अगर एक्सपायर्ड है तो खा लेता हूँ ऐसे करके नहीं खाना चाहिए। दोनों सुनने में बहुत कॉमन बात है बट लोग इसको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट मेडिसिन के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना।